हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं जैसे कि बचपन में बच्चा अपने बाप से बिस्कुट मांगता है तो बाप उसको उठा के अलमारी के ऊपर बिठा देता है और फिर बच्चा बिस्कुट बोल के ये बोलता है कि अच्छा पापा मुझे अलमारी से उतारो, हम भी नौकरी मांग रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने एनआरसी पे बिठा दिया। एनआरसी को मुसलमानों का मुद्दा बताया जा रहा है। हिंदुस्तान की सरकार ने ये फैसला किया है, हिंदुस्तानी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, ये मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ये हिंदुस्तानी का मुद्दा है। ये देश ही अपना हासिल है जहाँ राम प्रसाद भी बिस्मिल है, ये देश ही अपना हासिल है जहाँ राम प्रसाद भी बिस्मिल है, मिट्टी को कैसे बांटोगे, सबका ही खून तो शामिल है। ये राहत इंदौरी साहब की लाइन है जो मैंने इसमें मीटर थोड़ा सा बदल के इसमें ले ली। कविता बहुत ही निहत्थी होती है, इट इज जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट थॉट कि इट हैज नो पावर ऑफ इट्स ओन, पीपल कॉल इट प्रोटेस्ट बट इट इज नॉट प्रोटेस्ट, इट इज जस्ट ऑलमोस्ट लाइक अ क्राई फॉर हेल्प by people who have no other power. तुम मेट्रो बंद करा दोगे, तुम पुलिस से लठ पड़ा दोगे, तुम पुलिस से लठ पड़ा दोगे, तुम मेट्रो बंद करा दोगे, हम पैदल पैदल आएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश हो रही है, ये जो CAA plus NRC का जो I would say poisoned water has been thrown on us and we are trying to resist that. हम मंजी यही बिछाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम संविधान को बचाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम जनगण मन भी गाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, तुम जात पात से बांटोगे, हम भात मांगते जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। There are thousand things to do in this country to contribute to make this country a great country. वो सब छोड़ के अगर सरकार की प्रायोरिटी ये है जहाँ पे कि हर सिटीज़न को फिर से बताना पड़ेगी वो यहाँ का सिटीज़न है, तो आई थिंक उस सारे मजाक पे हम सिर्फ एक कविता ही लिख सकते हैं, शायद हम लोग इतने हेल्पलेस हो गए आज। तुम आंसू गैस उछालोगे, तुम जहर की चाय उबालोगे, तुम आंसू गैस उछालोगे, तुम जहर की चाय उबालोगे, हम प्यार की शक्कर घोल के इसको गट 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 पी जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। एक छोटा सा रेजिस्टेंस का वॉइस है जो आप सिर्फ खुद से कह रहे हैं कि मैं अभी हारा नहीं हूं।